There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. A very, very happy Independence Day to all of you. Amrit Mahotsav ki dher sari shubhkamnaen mitro. गरीब दास, ये अमृत महोत्सव क्या होता है? अरे इतना महंगाई है, इतना भुखमरी और गरीबी है, सरकार ऑफ इंडिया ने हमारी खुशहाली और हैप्पीनेस के लिए एक नया स्कीम सोचा है। हमारे लिए? खुशहाली के लिए? आत्मनिर्भर बनेंगे हम। 1,00,000 रुपए जीतने का फुल अवसर है। 1,00,000? कैसे कैसे? देखिए, पहले यू नीड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना? इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ये किलोग्राम से बड़ा होता है क्या? कर दी ना तुमने एकदम ग्रामीण वाली बातें। #fun यू कैन विन 1,00,000 इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले फॉलो करो अमृत महोत्सव, लिंक इज बिलो। नंबर 2, वी नीड तिरंगा फॉर दैट। तिरंगा दो। थैंक्स। तिरंगा के साथ अपना सेल्फी खींचो, हैशटैग तिरंगा वाली अमृत सेल्फी, तिरंगा वाली सेल्फी। हाँ। थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट है, अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करो इंस्टा पर, ग्राम में। एक तो टैग कर दो तुम रणवीर सिंह, है भूखा का तो पता नहीं, नंगा तो है। हाँ हाँ, देखा मैंने, वेरी नाइस। दूसरा टैग करो मुकेश भाई अंबानी, वो भी काफी डेस्परेट लगता है, कुछ भी हो दिया जलाओ, थाली पीटो बेलन मारो, वो सबसे पहले बालकनी में आ जाता है। बिल्कुल। तीसरा टैग करो आमिर खान, क्योंकि अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में वो कुछ भी पेल रहा है आजकल। आमिर खान मुसलमान, वो भी फ्लैग के साथ, क्या बात करते हो जीडी, कोई नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी ढूंढो। तुम ऐसा करो, 2 कमाल के राष्ट्रवादी हैं, या तो तुम राहुल शिवशंकर को टैग कर दो टाइम्स नाउ वाला, या नविका कुमार को। डूड आई माइट बी भूखा नंगा, बट मेरे भी स्टैंडर्ड्स है, प्लीज। चल अब सेल्फी ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए जीतना है मेरे को। Late entry GDN Lakhu, disqualified. Now, the press played a very important role in India's independence struggle and nationalist movement. Cut to 2022, and nationalism and nationalist today are the 2 most abused words on TV news channels. Har channel apne aapko rashtravadi, nationalist bulata hai. Yahan tak ki har channel ka apna ek rashtravadi show bhi hota hai, jisme baat hoti hai, you guessed it, desh ki. नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आदिति त्यागी। मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है मैं आप सबका स्वागत। देश नहीं झुकने देंगे मैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आई एम गौरव सावंत एज ऑलवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेडलाइंस ऑन इंडिया फर्स्ट। There once was a reigning supreme nationalist anchor who thundered on our screens. The nation wants to know. Yeah, that evolved to this. Drug door, drug door, drug door, drug door. And now, हर चैनल में इनके दिखाए गए फॉर्मूला में अब एक अर्नब लाइट या अर्नब लाइट नहीं है। ये सारे एक दूसरे से बस एक ही कंपटीशन में लगे हुए हैं। किसमें कितना है राष्ट्रवादी दम? देश नहीं झुकने देंगे। ये भारत की बात है, ओपिनियन इंडिया का। देश हित इंडिया चाहता है, पूछता है भारत। इंडिया अपफ्रंट, इंडिया फर्स्ट। कंपेटिटिव पेट्रियोटिज्म एट इट्स बेस्ट। आई मीन गाइस, इफ यू आर पेट्रियोटिक यू रियली डोंट नीड टू ट्राई एंड प्रूव इट सो हार्ड। इट्स अ बिट लाइक ट्राइंग टू प्रूव योर कूल व्हेन यू आर नॉट। बेस्ट नेम ऑफ देम ऑल, सीधा राष्ट्रवाद। देश से बढ़कर कुछ नहीं। सो व्हाट मेक्स अ देश? फर्स्ट अप, अ हेल्थी पॉपुलेशन दैट इज नॉट बैटलिंग टू गेट एसेंशियल मेडिसिंस एंड हैज गुड एक्सेस टू प्राइमरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। एन एजुकेटेड पॉपुलेशन दैट इज स्किल्ड एंड केपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉब्स इन द मार्केट। गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अ थ्राइविंग इकोनॉमी एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड हाउसिंग। And of course, safe borders, where our forces are equipped to battle external threats. Social welfare, democratic values, you get the point. These are some very basic building blocks for a self-confident, strong country.
सो इन सब मुद्दों में वेयर डू आर राष्ट्रवादी शोज स्टैंड? हाउ मच एयर टाइम डू दिस चेस्ट थम्पिंग नेशनलिस्ट गिव टू दिस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ नेशन बिल्डिंग? We looked at these shows from July 1st to July 31st to see their news programming and we were not surprised by what we found. Miss Aditi ka Desh Hit, out of 25 shows, zero shows on education, healthcare and employment. 16 shows on Hindu, Muslim, Muslim, Hindu. 2 shows on high, opposition. 3 shows on... Wow, Modi ji, wow. And 1 show on infrastructure. Ye kaise hua yaar? भारतीय सेना को पहली बार मिल रहा है एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके बाद LOC पर तैनात जवानों को हड्डियां गला देने वाली ठंड छू भी नहीं पाई। On July 1st, the Ministry of Home Affairs decided it would build all-weather shelters for BSF jawans. 7 days later, Aditi does a 5-minute segment on this with tickers like this. LOC पर अब सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये न्यूज़ रिपोर्ट है या Lux Coatsful Body Warmer का एड? लक्स कोट सूट दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चलो 5 मिनट ही सही, थोड़ा तो ब्रेक मिला इस हिंदू मुस्लिम से। मूविंग ऑन टू सम मोर राष्ट्रवाद। इंडिया फर्स्ट में इंडिया बिल्कुल भी फर्स्ट नहीं था। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 15 शोज, कमांडर गाव स्पेंट 8 ऑन हिंदू मुस्लिम, व्हाइल 3 वर स्पेंट बैजरिंग द ऑपोजिशन। बट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर, नोवेयर टू बी सीन। पूछता है भारत, क्या पूछ रहा है भारत? एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ नहीं, जीरो शोज। सोशल वेलफेयर भी छोड़ ही दो, बट ऑपोजिशन से सवाल पूछने के लिए 10 शोज और गवर्नमेंट की बड़ाई करने के लिए 3। बाकी क्या है, हिंदू मुस्लिम करो 12 शोज। मूविंग ऑन टू ABP, जहां सुमित अवस्थी ने थोड़ी मर्यादा रखी और इंडिया चाहता है। Out of a total of 20 shows, he hosted 1 on healthcare and 1 on social welfare. But still, let's not get carried away. More than half were on Hindu-Muslim, 12 shows out of 20. High opposition paid 2 shows, and Modi ji the best hai, 4 shows. My favorite, Rashtrawadi Sushant. 16 shows on Hindu-Muslim, Muslim-Hindu, Hindu-Muslim. 9 shows on opposition, Murdabad. 2 shows on wah Modi ji wah and 2 shows on social welfare. ye kaise hua? Mudda aata dal ka bhav hai, cylinder ka bhav hai, GST ko lekar hangama hua. Kehne ke liye to mudda bada hai, agar aate dal ki keemat badh rahi hai to isse koi satta ya vipaksh nahi, pura desh prabhavit hota hai, sabko fark padta hai. Great, talking about price rise and GST and Agniveer scheme, all issues related to the country. मुझे एक बात बताइए कि अगर इस टैक्स से, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे हैं, इससे राहुल गांधी को इतनी दिक्कत थी, तो कांग्रेस शासित राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने GST काउंसिल में इसका विरोध क्यों नहीं किया? विपक्ष तो बता रहा था कि श्रीलंका बनेगा भारत, फिर भारत का डंका कैसे बज रहा है? जो अमेरिका यूरोप नहीं कर पाए, भारत कैसे कर रहा है? हिंदी उसको छू नहीं पाएगी। ताली थाली पर गाली देने वाले मोदीनॉमिक्स के सामने फेल हो गए। तो ऐसी सरकार जो कुछ नहीं जानती इकोनॉमिक्स के बारे में, वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी खड़ी कर पा रही है 8 साल के शासनकाल में, जो ना US कर पा रहा है, ना जो यूरोप कर पा रहा है, ना जो जापान कर पा रहा है, जो ना चीन कर पा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये झूठ, ये डर फैलाना, राहुल गांधी का ट्वीट कर देना कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, जो आप भी मान रहे कि नहीं होगा, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? इवन अ GST हाइक is used to bash the opposition. मुझे लगा थोड़ा नेशन बिल्डिंग के बारे में बातें होंगी, थोड़ा आम आदमी की कंसर्न्स पे चर्चा हो जाएगी। I was expecting too much. I should just go to Pakistan. Next up, Aman Chopra, best man out there. 22 shows में से 15 शो हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। 7 shows on high opposition. देश नहीं झुकने देंगे मैं, हम लगातार आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया, क्या कट्टरता की लैंडमाइन पर है इंडिया। कट्टर कसाई, तुष्टिकरण ने हिम्मत बढ़ाई। गुस्ताखे भगवान की क्या सजा, कभी सोचा आपने? गुस्ताखे भगवान की क्या सजा फिर? भगवाए हिंद से हारेगा गजवाए हिंद। आदिल बना भगवाधारी जेहाद इच्छाधारी। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आदिल बना भगवाधारी जेहाद इच्छाधारी।
ये नए तरीके का जिहाद है, इसको आप कहिए बहरूपिया जिहाद। लेकिन लिबास बदल कर बहरूपिया जिहाद अब ये नया है, ये भगवा की बदनामी वाला बहरूपिया जिहाद है। जो आपके लिए रेडिकलाइजेशन है, जिसको आप रेडिकलाइजेशन का एक इंग्लिश वर्ड देते हैं, मुस्लिम के लिए वो वे ऑफ लाइफ है। 2047 की डेट, भारत इस्लामिक स्टेट। 2023 में डायरेक्ट जिहाद, क्या भारत के खिलाफ PFI का बेहद खतरनाक मिशन इस्लाम शुरू होने में अब कुछ महीनों का वक्त रह गया क्या? क्या भारत में बहुसंख्यकों के खिलाफ जिहाद की डेट शीट तय हो चुकी है? ये है हमारे राष्ट्रवादी मैन। Thor has his hammer. Captain America has his shield. Iron Man has his suit. And Rashtrawadi Man has a skull cap. ये बंदा सबको टोपी पहना रहा है प्राइम टाइम पे। ठहरो। चोरी जिहाद, ठहरो, ऑब्जेक्टिव जिहाद। राष्ट्रवादी मैन, व्हाट आर हिज सुपर प्राइम टाइम पावर्स? द एबिलिटी टू बी एबल टू डायरेक्ट ऑल एंड एनी आउटरेज टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड कन्वर्ट एनी रिलेटेड और अनरिलेटेड सब्जेक्ट टू इस्लाम। Basically, the idea is to tell you कि चारों तरफ जिहाद ही जिहाद है। तो बीते दिनों में आपने लगातार देखा है कि देश में हमने बार बार आपसे ये कहा है कि शहर शहर जिहादी बनाने की फैक्ट्री चल रही है। मुस्लिम आबादी बढ़ने वाली है, चारों तरफ मुस्लिम ही मुस्लिम। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर अराजकता होती है। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है क्या? ईद की खुशी या ईद का खौफ? ईद आने वाली है, ईद उल अजहा आने वाले रविवार को है, खुशियों का त्यौहार है। लेकिन इस त्यौहार में बेजुबान मवेशियों और गौवंश की जान पर बन आती है। जो जितना अच्छा डॉग विसल करेगा उसको उतना बड़ा देशभक्त अवार्ड मिलेगा। द बिगेस्ट कॉज फॉर कंसर्न, वी कीप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर रेडिकल इस्लामिस्ट, बट जस्ट हाउ मेनी स्नेक्स डू वी हैव इन आवर बैकयार्ड? हाउ मेनी स्नेक्स? Loose language like this is meant to make you draw a straight line connecting one radical nutter to all Muslims to snakes. There was a time when really B-grade villains of the 80s cinema would use lines like these. सांप नहीं, सपोले हैं ये, जिनके जहर के दांत अभी तक निकले नहीं। सांप तो इनका बाप था। अब हमें अमरीश पुरी की जरूरत नहीं है, हमारे पास एंकर्स हैं। Pick up any country, any context from across world history, and you will know that language like this marks the beginning of unspeakable crimes against people. One would think that Commander Gao, with all his training in trotting four guns at India Today, would do some shows on the actual enemy, China. Commander Gao kya? Sare Rashtravadi anchors ki China pe chu tak nahi nikalti. July was a month when we saw air violations by China at the border and increased infrastructure building along the LAC. But our Rashtravadi anchors are busy ignoring a real threat and directing all our attention to the enemy within the country. No prizes for guessing who that is. This kind of dramatized TV seems to work because our very insecure, down and out middle class likes to put a face to all its insecurities, to all its fears, to all its anger, its resentment and its hate. And these people give them that face, the face of the Muslim. Super prime time hero ki sabse badi superpower, nafrat.
नमस्कार, मैं हूँ सुसुधीर चौधरी और आज हम आपको कुछ सिखाएंगे। हम आपको एंटी मुस्लिम, माफ़ कीजिएगा, देशभक्ति वाला शो बनाना सिखाएंगे। वैसे भी अब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि हम बनाते कैसे हैं, मेरा मतलब हम देशभक्ति वाला शो बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये कढ़ाई लीजिए। ये ब्रांड कौन सा है, ये लाइलॉन्ग का ब्रांड है, तो लाइलॉन्ग की कढ़ाई लीजिए। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरा हमशक्ल है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको आग लगाना है। आग लगाना सबसे ज़रूरी होता है और बहुत आसान भी होता है, हम रोज़ आग लगाते हैं। तो आप आग लगाएं, आग आप किसी भी तरह लगा सकते हैं, आप गंदे नाले की गैस से भी आग लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका, उससे भी बढ़िया तरीका है हमारे पास। आप अपना मोबाइल लीजिए और उस पर भारतीय ज्वलनशील पार्टी के किसी भी नेता की, जी हाँ किसी भी नेता की कोई भी स्पीच चला दीजिए, आग अपने आप लग जाएगी। तो आपने आग लगा दी, आप सबसे पहले जनता का तेल लीजिए जिसे सरकार रोज़ निकालती है, हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जनता का तेल डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है देशभक्ति वाले शो में, अब आपको, आप सबसे पहले हिंदू मुसलमान लीजिए। मुसलमान को पहले ले लिया है मैंने, ये शायद अच्छी बात नहीं है, हिंदू को पहले लीजिए। आप हिंदू डाल दीजिए, आप कितना भी हिंदू डाल दीजिए और कितना भी मुस्लिम डाल दीजिए, आप जितना भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम डालेंगे देशभक्ति वाला शो उतना ही अच्छा बनेगा। मैं तो कहता हूँ आप पूरा डाल दीजिए, आप डब्बे में छोड़िए ही मत कुछ। अब आपने डाल दिया, आपने हिंदू मुसलमान पहले से ही बांट के रखे हुए हैं, आप पहले से ही बांट के रख लीजिए, फिर टाइम कम लगता है। अब आप हिंदू मुसलमान को मिलाइए, नहीं मिलाइए नहीं, आप बांटिए, आप बांटिए और अच्छे से चलाइए, बांटते रहिए बांटते रहिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आप देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो किसी 100 करोड़ की डिश से भी अच्छी खुशबू है। आपको ऐसी खुशबू 100 करोड़ की डिश में भी नहीं मिलेगी जैसी मेरी इस देशभक्ति वाले शो की इस कढ़ाई से आ रही है। अब आप जेहाद लीजिए और जेहाद को स्वादानुसार डाल दीजिए, आपको जैसा स्वाद अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मैं जेहाद ज़रूर डालता हूं, कोई भी शो जो मैं बनाता हूं उसमें जेहाद ज़रूर डालता हूं। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के जेहाद उपलब्ध हैं, आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अब इसके बाद आप, इसके बिना डिश कैसे तैयार हो सकती है, अब आप 2 चम्मच पाकिस्तान डाल दीजिए। डाल दिया, अब 2 चम्मच पाकिस्तान भी डल चुका है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, नए भारत में अब बुलडोज़र के बिना कोई भी शो नहीं हो सकता है। तो आप एक चम्मच बुलडोज़र डाल दीजिए, बुलडोज़र 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। अब आप लगभग, आपकी देशभक्ति वाली ये डिश तैयार है। अब आप इसके ऊपर PFI छिड़क दीजिए, PFI बहुत ज़रूरी है, PFI छिड़क दीजिए। अगर आपको PFI ना मिले तो आप JNU या जामिया से भी काम चला सकते हैं, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। आप CA डाल दीजिए। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्या डालना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या नहीं डालना है। आपको बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं डालना है, आपको महंगाई बिल्कुल छूना भी नहीं है, आप महंगाई को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, GDP को आप कढ़ाई को दिखाइए भी मत, इन सब को बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने देशभक्ति वाले शो में बेरोज़गारी, महंगाई या GDP डाल दी तो स्वाद एकदम ख़राब हो जाएगा, टेस्ट एकदम बुरा आएगा। आप चखना तो दूर, आप देशभक्ति वाली इस डिश को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ जैसे हमारा रुपया गिरता है, आप इन सब को उसी तरह फेंक दीजिए, आप रसोई में दिखने भी मत दीजिए। ऐसी कोई भी, ऐसा कोई भी मसाला अगर आपकी रसोई में रहा तो आप गलती से उसको डाल सकते हैं। एक एंकर ने ऐसी ही गलती कर दी थी जिसके बाद उसे चैनल छोड़ना पड़ गया था, उसे दूसरे चैनल में जाना पड़ा, हम आपको नाम नहीं बताएंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। अभी वक्त हो गया एक सुसु ब्रेक का,
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 2000 रुपए के नोट में जो नैनो चिप लगाई गई थी उसने काम क्यों नहीं किया, क्या उसके पीछे कोई विदेशी साजिश थी या PFI की फंडिंग थी। हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे, तो बिगड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई सच से तेज। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डन विद मुस्लिम्स। राष्ट्रवादी मैन सुपर पावर नंबर 2 डीमोनाइज ऑपोजिशन। मतलब ये मोदी विरोधी देश को ले डूबेंगे। क्या नरेंद्र मोदी को राजनीति का मुकाबला करने में जो विपक्ष विफल है अब झूठे प्रचार और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है? क्या सरकार को बदनाम करने के लिए सीरियल झूठ बोले जा रहे हैं? क्या बार बार झूठे आरोप लगाकर विपक्ष देश का नुकसान नहीं कर रहा? संसद में विपक्ष का शोर रणनीति या रणनीति, रणनीति या रणनीति। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी से पूर्व, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है तो कोई पूर्व अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, कोई कुछ बनना चाहता है तो कोई कुछ सपने देखना चाहता है, सपने देखने से तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन राष्ट्र विरोध में ये सब खड़े हो गए। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों और देश की सर्वोच्च संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की आदत है। यू नो व्हेन द कंट्री सॉ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्कैम्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड करप्शन, द प्रोटेस्टर्स बिगेस्ट एलाय वॉज द मीडिया। It's not like BJP was the greatest, strongest opposition party of all times. But every time BJP did decide to pick up an issue when it was the opposition, the media didn't go after it saying, what an anti-national party. From December 16 gang rape case to India against corruption, whenever the opposition and the people hit the streets, the media relayed their voices across the country without demonizing them. Aaj to vatavaran kuch bahut hi alag hai. Super power number 3, praise Modi to the moon. I hate biryani, I hate kheer, I hate jhadu, I hate cycle, I hate panja, I hate myself, I hate you, the viewer. Are you gonna? Daddy? I love you, Daddy. Think about this. All these anchors and all these shows claiming to talk in your interest, claiming to talk of the national interest. All they do is sit in their studios and day in and day out sow divisions in society. Desh hit mein desh ka to bilkul hit zero hai, bas TRP hit hai. TRP hit hai. One should think how the notion of patriotism is completely misused by these anchors whose nightly utterances can only create unrest in society. The aim is to make one citizen suspicious of the other. July was a month where we saw headlines on unemployment, inflation, healthcare concerns, natural calamities, border tensions with China. But how much of all of this made it to these Rashtravadi debates? This Independence Day, think of whether these Rashtravadi shows really serve you and the public interest. That is something to think of when you celebrate Amrit Mahotsav. अरे लखू, तुम्हें अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हें भी गरीब दास, चलो पतंग उड़ाते। अरे यार, पतंग उड़ाना है इसो पासे। अब जमाना है हर घर झंडा का। ये हर घर झंडा क्या होता है? हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा इज अ कैंपेन टू ब्रिंग द फ्लैग होम। फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग टू डेमोक्रेसी, द इकोनॉमी और भुखमरी एंड गरीबी। रिक्लेम द झंडा एंड ब्रिंग इट होम। हर घर तिरंगा अपने घर तिरंगा लाने का कैंपेन है भाई। घर पे वो तो बुलडोजर ने फ्लैट कर दिया एकदम। याद है वो शर्मा जी के दुकान के बाजू वाला घर मेरा ही था। अंजना जी आई थी बुलडोजर पे बैठ के। योगी जी ने किया तो सही किया होगा ने? यार घर नहीं रहा वहां पर, मलबा तो होगा ढेर एकदम, है ना? मलबा पे लगा दो झंडा, सालों साल होएगा। ये भी सही है, हमारी म्युनिसिपैलिटी ना बड़ी बढ़िया है, कभी मलबा साफ नहीं करती। और 25 साल रह जाएगा, 100 हो जाएगा, हर मलबा झंडा। घर रहे ना रहे मलबा तो रहेगा, झंडा भी रहेगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट इंडिपेंडेंस डे अगेन, सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन स्टे मैड, दैट्स द ओनली वे।
Guys, we have a special Independence Day hamper for you guys that you can buy from our website. The details will be below this video. Some of the things that are there in this hamper is this very cool Karare Chane cup. Please get this cup if you haven't already. It's a collector's. We also have two really cool comics, Kashmir Ki Kahani and Naxal Bari. They're really amazing, so you can buy them. Do check it out. We have some stickers and of course we have soaps. All this is part of our Independence Day hamper. Buy it. Not only do you get cool gifts like this, you also get to support independent media.